अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू चैनल देसी फूड बाय बिनते अली। आज हम एक मज़ेदार स्नैक की रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जो कि है समोसे। ये समोसे जो है वो इंतहाई क्रिस्पी, मज़ेदार और बहुत डिफरेंट जायके के बनेंगे। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? इसके लिए हमें चाहिए समोसों की पट्टी, चिकन, बंद गोभी, शिमला मिर्च, नमक, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस और हमें काली मिर्च। हम ऑयल जो है वो कढ़ाई में गर्म करते हैं और उसके अंदर इस चिकन को फ्राई करते हैं, और इतना फ्राई करते हैं कि इसलिए इतना नरम हो जाए कि ये अच्छे तरीके से गोभी और शिमला मिर्च और इन तमाम चीज़ों के अंदर शामिल हो जाए। इसकी बोटियां ना रहें, ये डिशेस की शक्ल में जो है इसके अंदर शामिल हो जाए। आए सबसे पहले जो है हम चिकन फ्राई करते हैं। मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये फ्राई होता है तो हम इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें हैं वो शामिल करते हैं। फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसके हम रेशे कर लेते हैं, और फिर इसी ऑयल में जो है हम सब्जियों को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। मैंने अब इसके अंदर बंद गोभी डाल दी है। अब जैसे ही ये थोड़ी सी फ्राई होती है, फिर हम इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च को शामिल करते हैं। गोभी जो है वो फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च और जो चिकन हमने रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और इसको हल्की आँच पर अब हम पकने देते हैं। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करेंगे। और चिकन हमारी जो है वो मुकम्मल तरीके से जो है वो मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर बाकी मसाला डालते हैं। इसमें हमने जो 2 चम्मच सोया सॉस ली थी, चिली सॉस, सिरका, काली मिर्च और हंसते जायका। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं और इसको पकने देते हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा और ऑयल छोड़ देगा, फिर हम जो है इसको समोसों के अंदर फिल कर लेंगे। हमारा जो है बैटर तैयार हो गया है, ये बिल्कुल जो है ड्राई हो गया। अब हम इसको छोटे से उतार लेते हैं और इसको हम ठंडा होने रखते हैं। जैसे ही ठंडा होगा, फिर हम इसको समोसों की पट्टी में फिल कर लेंगे और समोसे बना लेंगे। हमारे रेडी हैं। अब हम इन्हें ऑयल में डीप फ्राई करेंगे और इसको हम केचप के साथ या टमाटर और पुदीने की चटनी के साथ इंजॉय करेंगे। ये हमारे समोसे जो हैं हमने फ्राई कर लिए हैं और डिश आउट कर लिए हैं। अब ये रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ बने हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।